हेलो गाइज, आज हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोप्लास्ट की आंतरिक संरचना को हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और एक यूनिक फीचर होता है पादप कोशिकाओं का। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होता है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। काम क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं जो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको डबल मेम्ब्रेन बाउंड मिलता, तो सबसे बाहरी ये जो झिल्ली है, यहाँ पर ये वाली जो झिल्ली आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, या इसे बाहरी झिल्ली कहा जाता है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में यहाँ पे लिखने वाला हूं मैं, बाहरी झिल्ली इसे हम कहते हैं, बाहरी झिल्ली। ठीक है, इसका जो मेन फीचर आपको जो याद रखना है वो है आउटर मेम्ब्रेन का, ये 9 से 10 नैनोमीटर मोटी होती है, 9 से 10 नैनोमीटर मोटी होती है, ये आपकी बाहरी झिल्ली होगी। इसके बाद में आती है आंतरिक झिल्ली, ये जो आपको ग्रीन कलर में देख रहे हैं सबसे अंदर की ओर, इसे हम कहते हैं इंटरनल मेम्ब्रेन, इंटरनल मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी कि आंतरिक झिल्ली। इसे आंतरिक झिल्ली कहा जाता है। इसकी मोटाई की हम बात करें तो इसकी मोटाई भी होती है 9 से 10 नैनोमीटर मोटी होती है। ये इन दोनों झिल्लियों के बीच में क्या होता है, एक स्थान पाया जाता है जिसमें फ्लूड भरा रहता है। इस स्थान को क्या कहते हैं? देखिए, ये जो आपको थोड़ा सा येलो येलो कलर में ये वाला जो नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है इसे, इसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। इसकी जब हम मोटाई की हम बात करें तो इसकी मोटाई होती है लगभग 10 से 12 नैनोमीटर होती है। पारभासी होता है, यानी कि ये इस प्रकार का तरल भरा रहता है जो पारभासी होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है, आर पार देख सकते हैं, पारभासी। दो झिल्लियों के बीच का स्थान होता है, ये भी याद रख लेना, दोनों झिल्लियों के बीच का स्थान, दोनों दोनों झिल्लियों के बीच का स्थान, दोनों झिल्लियों के बीच का स्थान। अब इसके बाद में हम बात करें तो ये बीच में आपको ये जो खालिस्तान जिसमें बहुत सारा आपको मटेरियल है वो देखने को मिलता है, इस खालिस्तान को हम क्या कहते हैं? जिसमें आपका डीएनए आरएनए ये सभी पाए जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको याद भी रखना है, स्ट्रोमा कहते हैं इसे। लो यहां पे लिख देता हूं मैं, इसे कहते हैं स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। एक तो इसमें क्या होते हैं, एंजाइम, बहुत अधिक मात्रा में एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम है ये बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं, को एंजाइम और आपके इलेक्ट्रॉन वहां के यहाँ पे उपस्थित होते हैं, को एंजाइम एंड इलेक्ट्रॉन वाहक, इलेक्ट्रॉन वाहक, को एंजाइम और इलेक्ट्रॉन वाहक ये क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये याद रखें। इसके बाद में देखिए, यहाँ पे कार्बन का स्थिरीकरण है वो इसी स्थान पे होता है, स्ट्रोमा में होता है। कार्बन बोल दे या फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड भी बोल सकते हैं, कार्बन का फिक्सेशन स्थिरीकरण यहीं पे होता है, कार्बन का स्थिरीकरण है वो यहीं पे होता है।
इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको कि अप्रकाशी का अभिक्रिया इसी में संपन्न होती है, स्टोमा के अंदर अप्रकाशी अभिक्रिया, अप्रकाशी का अभिक्रिया है वो यही पे संपन्न होती है। स्ट्रोमा से संबंधित एंजाइम उपस्थित, कोएंजाइम, इलेक्ट्रॉन वाहक उपस्थित होते हैं, कार्बन का स्थिरीकरण और अप्रकाशी का अभिक्रिया स्ट्रोमा में ही संपन्न होती है। अब हम नेक्स्ट यहां पर हम बात करें, इसमें क्या होते हैं, आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जो आप सिक्के देखते हैं ना, उन सिक्कों की जैसी संरचनाएं होती हैं, थैली जैसी संरचनाएं इसे हम कह सकते हैं, और ये एक के ऊपर एक इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं जैसे हम बहुत सारे सिक्के एक दूसरे के ऊपर लगा करके रख देते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर हमें बहुत सारी है वो क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलती है, केवल समझने के लिए दो तीन यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। ये संरचनाएं जो होती हैं ये आपस में एक दूसरे से ऐसे जुड़ी रहती हैं, एक दूसरे से ऐसे जुड़ी रहती हैं, ठीक है। अब इन स्ट्रक्चर्स का नाम लिख लेते हैं, ये जो संरचना है इस एक को हम देखें तो इस एक स्ट्रक्चर को, ये वाली है, इसको हम कहते हैं थाइलेकोइड, थाइलेकोइड इसे कहा जाता है, थाइलेकोइड। अब थाइलेकोइड से संबंधित इंपॉर्टेंट बात क्या हो सकती है, देखिए यहाँ पे थाइलेकोइड में पीएस सेकंड उपस्थित होता है, पीएस सेकंड। देखिए फोटोसिस्टम दो होते हैं, एक तो पीएस फर्स्ट और एक सेकंड, तो पीएस सेकंड जो होता है वो आपका थाइलेकोइड में उपस्थित होता है, और जितने भी वर्णक होते हैं जिसमें क्लोरोफिल है, इसके अलावा हम पर्णहरिति जिसे हिंदी में कहते हैं, कैरोटीनॉइड्स है, जेंथोसिल्स है, ये आपके इसी थाइलेकोइड के ऊपर पाए जाते हैं, थाइलेकोइड झिल्ली भी कह देते हैं वैसे इसे, तो इसमें वर्णक उपस्थित होते हैं इसके ऊपर, वर्णक उपस्थित, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, देखिए अप्रकाशिक स्ट्रोमा में होती है, तो प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है वो प्रकाशिक अभिक्रिया कहां संपन्न होती है, थाइलेकोइड में संपन्न होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया, ये थोड़ा सा याद रख लेना आप, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट की हम बात करें तो यहां पर देखिए ये वाली जो आपको स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये पूरी की पूरी जिसमें बहुत सारे आपको थाइलेकोइड नजर आ रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए हमें, तो इसको क्या कहेंगे, कौन सा ले, ये वाला ले लेते हैं, चलो ग्रीन कर लेते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कह देते हैं ग्रेना, ग्रेनम, इस एक को ग्रेना कहते हैं, अगर इन सभी को शामिल करेंगे तो उसे ग्रेना कहा जा सकता है। ग्रेनम बनता किससे है कि थाइलेकोइड इकट्ठे होकर के क्या करते हैं, थाइलेकोइड की जो चट्टे होते हैं, बहुत सारे थाइलेकोइड इकट्ठे होकर के चट्टों जैसी संरचना बनाती हैं, उसको क्या कहते हैं, ग्रेनम कहा जाता है, थाइलेकोइड की जो चट्टे होते हैं उनको ग्रेनम कहा जाता है। अब एक स्ट्रक्चर हमने ये छोड़ दी, इसको भी यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं, ये कलर, ये वाली जो संरचना है जो यहाँ पर दो ग्रेना को आपस में जोड़ने का काम करती है, दो थाइलेकोइड को जोड़ती है, इनको कहते हैं स्ट्रोमा लेमिली कहा जाता है, स्ट्रोमा लेमिली कहा जाता है। और इसका मेन फीचर याद रखे ना कि इसमें पीएस फर्स्ट उपस्थित, फर्स्ट उपस्थित होता है, पीएस फर्स्ट, फोटोसिस्टम फर्स्ट उपस्थित होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये जो आपकी थाइलेकोइड होती है इसके अंदर क्या होती है, गुहा होती है, इस गुहा को हम क्या कहते हैं, इस गुहा को कहते हैं ल्यूमेन कहा जाता है, ल्यूमेन, इसे ल्यूमेन कह देते हैं, इंपोर्टेंट है ये,
ल्यूमेन में क्या होता है कि इसमें H प्लस आयन का संचय होता है, H प्लस आयन का संचय होता है, स्टोरेज होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट और एटीपी का संश्लेषण होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट और एटीपी का सिंथेसिस, लिखो एटीपी का सिंथेसिस, एटीपी का संश्लेषण होता है। तो ये ल्यूमेन हो गया थायलाकोइड का। इसके बाद में देखिए इसके अंदर और भी कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं, वो कौन कौन सी हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें पाया जाता है आपका डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलता है, यहाँ पे बना देता हूँ, डबल स्टैंडर्ड वर्ताकार डीएनए होता है, ये डीएनए हो गया, डाई आर आर डाई न्यूक्लियोटाइड, डीएनए डी डीएनए, और यहां पर मैं बना देता हूँ आरएनए, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसे डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक है, आरएनए हो गया। इसके अलावा इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं जो यहाँ पर मैं आपको बना दे, ये थोड़ी सी कलर दूसरा ले लेते हैं, ये ब्लैक कलर ले लेते हैं, ये बहुत सारे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे कणिकाकार संरचनाएं जो होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं राइबोसोम। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, इनको कहा जाता है राइबोसोम, राइबोसोम कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें और कर लेते हैं, ये तो मेन मेन चीजें मैंने आपको बता दी है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें खुद का डीएनए होता है, खुद का आरएनए होता है, तो अपने लिए जितने भी आवश्यक प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, उनका निर्माण ये खुद कर सकता है, इस कारण इसको हम अर्ध स्वायत्त शासी या सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी कहा जाता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन, अर्ध स्वायत्त शासी ऑर्गन कहा जाता है, इंपॉर्टेंट करेक्टर है ये। एक इसे हम क्या कहते हैं, कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, रसोई घर भी कहा जाता है इसे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड का फॉर्मेशन है वो इसी के अंदर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी क्लोरोप्लास्ट से संबंधित, जो कि मैंने स्ट्रक्चर से माध्यम से पूरी की पूरी आपको समझाने का प्रयास किया है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम एक अलग और टॉपिक लेकर के चलेंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।